हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लैटिनम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th सिविक्स के पॉलिटिकल पार्टीज चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। ऑप्शन है लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट या पीपल। इसका राइट आंसर है पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होता है इन अ डेमोक्रेसी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कितने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को रजिस्टर्ड किया गया है? तो ऑप्शन है लेस देन 100, बिटवीन 100 एंड 500, बिटवीन 500 एंड 750 एंड मोर देन 750। फ्रेंड्स, इसका आंसर है मोर देन 750 पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पॉलिटिकल पार्टी हैज़ टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि दो तरह के पार्टी होता है, एक रीजनल पार्टी और दूसरा नेशनल पार्टी। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि नेशनल पार्टी के लिए कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। ऑप्शन ए है 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट्स। बी है एटलीस्ट 6 लोकसभा सीट्स, 12% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और एटलीस्ट 12 लोकसभा सीट्स। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 6% वोट्स ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस ऑफ 4 स्टेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टीज इन इंडिया इन 2006। 2006 में कितने नए पार्टीज़ को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था? तो ए है 6, बी है 16, सी है 750 और डी है 21। इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए, आई होप आप लोगों ने इसका आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट। इंडिया में लोकसभा की कितने सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला जो इसमें दिया गया ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन है 540, 543, 547, 563। तो इसका राइट आंसर होगा 543। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इंडिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एरिया वाइज है वो कौन होगा? इसका आंसर है आपका लद्दाख। लद्दाख आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी केम टू पावर इन 1998 एज द लीडर ऑफ व्हाट। इसका ऑप्शन है यूपीए या लेफ्ट पार्टी, लेफ्ट फ्रंट या नेशनल डेमोक्रेटिक या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा नेशनल डेमोक्रेटिक। आपको पता होगा बीजेपी जो लेड करती है, जो कोएलिशन गवर्नमेंट, उसमें उसका नाम होता है एनडीए और जो कांग्रेस लीड करती है उसका नाम होता है यूपीए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्टी सिस्टम डज इंडिया फॉलो। इंडिया में कौन सी पार्टी का सिस्टम चलता है? सिंगल पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम या ऑल ऑफ देम। तो यहाँ पर हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्शंस हेल्ड टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और एनी अदर हाउस कॉज होगा, सॉरी, किसी भी कारण से अगर कोई एक वैकेंट सीट रह जाता है उसमें इलेक्शन होता है तो होता है। सेकेंड ऑप्शन है इलेक्शन हेल्ड आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये इलेक्शन होता है, या फिर ये एक नया गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए होता है, या ऑप्शन नंबर डी में है कि ये फिक्स्ड टर्म होता है हाउस का। तो इसका आंसर है आपका इलेक्शन हेल्ड
टू फिल अ वैकेंसी। अगर किसी लीडर का डेथ हो जाता है या ऐसा कोई काउज होता है जबकि वहाँ पर एक वैकेंट सीट हो जाए तो उस जगह पर बाई इलेक्शन होता है। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, आगे भी आपका काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी के फाउंडर कौन है? इसका आंसर है कांसी राम। ठीक है, कांसी राम बीएसपी के फाउंडर है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मिलेगी मोटिवेशन आप लोगों के लिए नई नई ऐसी वीडियो बनाने के लिए। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका मार्क्स कितना आया है और नेक्स्ट वीडियो में आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वीडियो, ये भी ज़रूर हमें बताएं।